जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्रों पर हो रही है धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 और 2040 रुपए है निर्धारित। एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील, कहा अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417615 पर करें संपर्क, तत्काल दूर होगी उनकी दिक्कत। आधार कार्ड के जरिए लोगों के करोड़ों रुपए निकालने वाले दो अपराधियों विकास उर्फ विक्की साहनी और अक्षय यादव को साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईजी पे कंपनी के पेमेंट गेटवे की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज। एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने किया खुलासा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का शुक्रवार को हुआ अंतिम प्रकाशन। एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा नगर निगम के दायरे में 10 लाख व पूरे जनपद में पंचायतों को मिलाकर जारी हुई 13 लाख मतदाताओं की सूची, 1,30,000 से अधिक पूरे जनपद में बने नए मतदाता। विदेशी यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने की फॉरनर हेल्प डेस्क की गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापना। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन, कहा 24 घंटे खुला रहेगा फॉरनर्स हेल्प डेस्क। विदेशी यात्रियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ प्रदान किया जाएगा आवश्यक सहयोग। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, कहा करियर के साथ साथ निभानी है आपको एक होममेकर की भूमिका। परिवार की सेफ्टी के लिए भाई बहनों व मम्मी पापा को ट्रैफिक नियमों का जिद करके करवाएं उनसे पालन। साइबर क्राइम की लगातार हो रही घटनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ की बैठक, कहा सभी सिनेमा हॉलों में साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाया जाएगा स्लाइड ताकि आम जन साइबर अपराध के ना हो शिकार। रंगदारी मांगने के आरोप में हिस्ट्री शीटर राजू यादव उर्फ राजीव को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान, लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।